Hey everyone, good morning to all. Guys, today we will discuss sociology exam of class 11. Okay, so start करते हैं. First question पर आते हैं. Who is known of as a founder of sociology? Sociology के जो founder हैं उन्हें वो किन्हें कहा जाता है? So it's August Comte. ठीक है, August तो spelling easy है, तो easy spelling है, याद हो जाएगी. What was the driving force behind the growth of industrial? औद्योगिक विनिर्माण के विकास के पीछे प्रेरक शक्ति क्या थी? So it's capitalization, पूंजीवाद, मतलब money. ठीक है, which country was the center of the industrial revolution? कौन सा देश औद्योगिक क्रांति का केंद्र था? So it's England. इंग्लैंड को जो है औद्योगिक क्रांति का केंद्र माना जाता था, क्योंकि वहीं से ही स्टार्ट हुई था ये सब. नेक्स्ट, उसके बाद में, व्हाट वर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द ब्रिटिश बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन? औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सो इट्स आंसर ए एंड बी, मतलब जो ऑप्शन में ए और बी आंसर है वही इसका आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद, अमंग द फॉलोइंग हु सेड द फैक्ट्री वॉज ऑपरेसिव फॉर द वर्कर्स? निम्नलिखित में से किसने कहा कि कारखाना श्रमिकों के लिए दमनकारी था? सो आंसर इज कार्ल मार्क्स. सो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स. देन उसके बाद, हु सेड मैन इज़ अ सोशल एनिमल? मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है, ये किसने कहा था? सो इट्स अरस्तु, अरस्तु ने बोला था ये चीज़. ठीक है, देन उसके बाद, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी? समाज की विशेषता क्या है? सो आंसर आ जाएगा ये सभी, मतलब वो सभी आंसर होगा इसका. सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ सोशल साइंस विच ऑल्सो इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव. अगेन, व्हाट आर द मेन इन्फ्लुएंस विच इफेक्ट द इंडिविजुअल्स लाइफ? मुख्य प्रभाव क्या है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभाव करते हैं? सो उसका ऑप्शन हो जाएगा कोई भी नहीं, मतलब जो आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई भी नहीं होगा इसका आंसर. ठीक है ना, सारे ऑप्शन गलत हैं. देन उसके बाद, व्हाट आर द मेन इन्फ्लुएंस, इसमें हो गया पैसेंजर राइटिंग एट अ रेलवे स्टेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. रेलवे स्टेशन पर प्रतिशारत यात्री किसका उदाहरण है? सो इट्स समुच्चय, मतलब एग्रीगेट्स. ठीक है, इन द फॉलोइंग ग्रुप्स विच वन इज प्राइमरी ग्रुप? निम्नलिखित ग्रुपों में से कौन सा प्राथमिक समूह है? सो इट्स फैमिली, आंसर क्या हो जाएगा? फैमिली. नेक्स्ट, उसके बाद में आ जाता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर एज इज कॉल्ड, समान आयु वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है? सो इट्स सहकारी समूह. समान आयु वर्ग के लोगों को कहा जाता है सहकारी समूह, मीन्स पीयर ग्रुप. विच ग्रुप इज नोन एज स्ट्रेंजर ग्रुप इन द फॉलोइंग? कौन सा ग्रुप है स्ट्रेंजर? बाहर समूह. ठीक है ना, आउट ग्रुप. नेक्स्ट, उसके बाद में, व्हाट इज द स्टेटस विच पर्सन ऑक्यूपाइज बाय हर बर्थ? सो इट्स निर्धारण स्थिति, मीन्स एस्क्राइब स्टेटस. ओके, द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस इज नोन एज? सो इट्स भूमिका, मीन्स रोल. विच प्राइमरी ग्रुप इज द इन द फॉलोइंग? प्राइमरी ग्रुप है फैमिली. देन उसके बाद में 17th, विच वन द फॉलोइंग अचीव्ड स्टेटस? अचीव स्टेटस है बाय क्वालिफिकेशन. ठीक है, योग्यता द्वारा मिला जाता है. विच इज़ नॉट एस्क्राइब्ड स्टेटस इन द फॉलोइंग? तो कौन सा है? वर्ग, मतलब क्लास. कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये वो बोली स्कूल वाली क्लास नहीं है, ये वैसी क्लास है, मतलब हाई क्लास है, मिडिल क्लास है. ठीक है, द बेस ऑफ सेटिस्फैक्शन इज वेस्टर्न सोसाइटी इज, सो इट्स ऑल्सो क्लास. ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद में आ जाता है कि विच इज़ अ नॉट एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल इन द फॉलोइंग? सो आंसर इज मार्केट, मतलब धर्म इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा मार्केट. ओके,